हेलो दोस्तों, मेरा नाम साद और आप देख रहे हैं सादी टेक यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, चाहे वो पिन हो उसको, पैटर्न हो या फिर कोई और पासवर्ड लगाओ, तो आप उसको अनलॉक किस तरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। दोस्तों, प्ले स्टोर को जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पर अपने सर्च में लिखना है, यहाँ पर सर्च में लिखना है तो d.phone, तो आपको यहाँ पर दोस्तों एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, ये वाली। तो आपने इसको दोस्तों d.phone आपने लिखना है, तो आपको इस एप्लीकेशन वाली मिल जाएगी, ये वाली। सॉरी, पहले वो अब कोई और गेम शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर ये वाली एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको। यहाँ पर दोस्तों आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, आपको बताता हूँ कि इसको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। दोस्तों, इसकी मदद से आप अपने मोबाइल फ़ोन, चाहे वो पैटर्न हो उसको या पिन हो या दूसरे पासवर्ड हो, आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, पहले आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा और उसके बाद यहाँ पर आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं पीसी या मोबाइल फ़ोन में अपना, तो ईज़िली। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग आपको मिल जाएगी। बैकअप का ऑप्शन है, रिसाइकल बिन का, स्विच और रूट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों मैं एक और बात बता दूँ कि आप अगर इसको पीसी में या कंप्यूटर में इस्तेमाल, लैपटॉप में इसका इंस्टॉल करते हैं, तो दोस्तों आप उस वहाँ इस एप्लीकेशन की उस जो उसमें एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल होगी, उसके ज़रिए आप अपने मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं कनेक्ट करके। तो यहाँ पर ये इसका एंड्रॉयड वर्जन है, तो इसमें आपको इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसके बाद मैं आपको कुछ ये बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को रूट कर सकते हैं। इसमें बहुत से ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। उसके बाद ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, फाइल्स को रिकवरी भी कर सकते हैं और बैकअप भी कर सकते हैं। तो मैं बैकअप पर क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे जितने भी है डाटा कर सकता है। तो मैंने डिलीट किया है फाइल्स को, तो उनमें से कुछ जो रिसाइकल बिन में आ जाती हैं, लेकिन मैंने अभी इसमें नहीं है डाटा कोई भी। स्विच, आप मोबाइल फ़ोन को स्विच कर सकते हैं, यानी कि उसको उसके डाटा को जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेटिंग है दोस्तों, तो ये बहुत ही दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन अच्छी मैंने बताई है। इसको अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वहाँ पर इसका और भी फंक्शन आपको मिल जाएंगे। सॉरी, मैं आपको पीसी या लैपटॉप के पर हम दिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने इसमें से इसकी सर्च की है, तो आपको ज़रूर मिल जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।